ये धृतराष्ट्र की भूमिका मुख्यमंत्री निभा रहे हैं और चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री दुर्योधन की भूमिका में बचाने के लिए ये महाभारत करा रहे हैं। लाठी की बर्बरता पूर्ण इनका जो कार्रवाई हुआ, हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है। बिहार में शासन नहीं है, पूरी अराजकता है। इसके विरोध में हम लोग गवर्नर के यहाँ जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता जो हैं वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। कल जो विधानसभा मार्च निकाला गया था जिसको लेकर लाठी चार्ज हुई है, बीजेपी के तमाम नेता का ये कहना है कि लाठी तंत्र से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कल जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई, जो विधानसभा मार्च जो डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा और वहां पर जाकर टीयर गैस छोड़े जा रहे थे, लाठी चार्ज की जा रही थी, कई सारी महिलाओं की जो स्थिति है वो बदतर कर दी गई थी और वहां पर जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की मौत भी हो गई। और उसके बाद अब जब है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के तमाम नेता काली पट्टी लगाकर जो इसका बहिष्कार करते नजर आए, हंगामा करते नजर आए और उसके बाद अब बीजेपी के शीर्ष नेता राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उनके ज्ञापन सौंपेंगे। राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये धृतराष्ट्र की भूमिका मुख्यमंत्री निभा रहे हैं और चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री दुर्योधन की भूमिका में बचाने के लिए ये महाभारत करा रहे हैं। लाठी की बर्बरता पूर्ण इनका जो कार्रवाई हुआ, हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है। बिहार में शासन नहीं है, पूरी अराजकता है। इसके विरोध में हम लोग गवर्नर के यहाँ जा रहे हैं। नीतीश कुमार सवाल से बचते नजर आए। मुख्यमंत्री सत्ता के लिए समझौता कर चुके और धृतराष्ट्र जब जब सत्ता के लिए समझौता करता है तो महाभारत होता है और बिहार में अब हमारी जनता के बीच महाभारत होगी। पूरा सिन्हा ने साफ कहा कि अब जो है जनता के बीच जो है इसका हिसाब होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवाल से बचते नजर आए। हमने सुना कि विजय सिन्हा ने साफ कहा कि अभी बीजेपी के जितने शीर्ष नेता है वो जाएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। और कल जो विधानसभा मार्च निकाला गया था, उन विधानसभा मार्च में जो लाठी चार्ज हुए, जिस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा था, जहानाबाद के महामंत्री की मृत्यु भी हो गई, इन सारे मुद्दे को लेकर, इन सारे जो वाक्या कल हुए, इन सभी को लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बीजेपी के शीर्ष नेता। और उसके बाद ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब नेता उनसे मिलते हैं तो राज्यपाल क्या कुछ कहते हैं, आगे क्या कुछ होता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।